हेलो, गुड आफ्टरनून. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि एज अ यंग 22 ईयर ओल्ड न्यू कमर इन बॉलीवुड, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाएगा. मुझे आज भी याद है जब उड़ता पंजाब फिल्म की रिलीज से दो दिन पहले लीक हुई थी, तो ऑब्वियसली बुरा लगता है क्योंकि ये बॉलीवुड में हो रहा है एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉलीवुड. बट ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा खुद मेरी फिल्म के लिए हो जाएगा, वो भी 17-18 दिन पहले. मुझे अच्छे से याद है मेरे सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में हर जगह से फैंस के मैसेजेस आ रहे थे, टेक्स्ट आ रहे थे कि सुपर फिल्म, बहुत इन्जॉय किया, ऑलरेडी देख ली है, आपकी परफॉर्मेंस एकदम मस्त है, बहुत अच्छी है, आपने घोस्ट का रोल बहुत अच्छा किया. तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि खुश हूँ कि रोऊं. इट्स द वर्स्ट नाइटमेयर एंड आई थिंक दैट दिस इज द वर्स्ट थिंग विच कैन एवर हैपन टू एनी प्रोड्यूसर, अ फिल्म मेकर एंड एन एक्टर. इट्स लाइक अ मर्डर, आई वुड से मोर देन अ मर्डर. इतनी, यू नो, वी मेक अ फिल्म विद लॉट ऑफ ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, इतनी मेहनत से बनती हैं, इतने साल लगे. I wouldn't say 2 years, but I would say for past 13 years, because Masti is not a small film. It's the biggest comedy franchise of Bollywood in the history of Indian cinema. A lot of people and everybody, even in the audiences, had a lot of expectations from this film. And this is what has happened to us. हमको हर चीज़ में, जब से हमने प्रमोशन करना स्टार्ट किया, हर चीज़ को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा डे वन से. सबसे पहली बात, रिलीज डेट शिफ्ट करनी पड़ी. पहले 22 को आ रहे थे हम, अब हमारी फिल्म रिलीज़ हुई 15 तारीख को. ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चुनौती होती है कि एक हफ्ते पहले आना. फिर सुल्तान जैसी इतनी बड़ी फिल्म के एक हफ्ते बाद रिलीज़ हो रही है. इतने सारे प्रमोशंस में हमको इतनी प्रॉब्लम्स हुई, हम अच्छे से अपनी फिल्म का प्रमोशंस भी नहीं कर पाए. इतनी सारी प्लानिंग्स थी, इतनी सारी हमने अच्छे प्लान्स बनाए थे प्रमोशंस को लेकर. हम इस शो में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, इतने सिटी टूर्स करेंगे, हर जगह अच्छे से प्रमोशन करेंगे. सॉन्ग्स को लेकर के इतना ज़्यादा रेज था पूरे ऑल ओवर इंडिया में. सबने बहुत तारीफ करी, सारे, चाहे वो टाइटल ट्रैक हो रेशम का, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ करी. हर कोई इतना ज़्यादा क्यूरियस था. नंबर ऑफ स्क्रीन्स को लेकर हमको इतनी प्रॉब्लम हुई एंड प्रमोशंस, रिलीज, हर चीज़ को लेकर के इस फिल्म में शुरुआत से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है. और मैं ये बात एक और ऐड करना चाहती हूँ कि जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती है तो वो इतनी वल्नरेबल हो जाती है, इतनी सॉफ्ट टारगेट बन जाती है कि हर कोई चाहता है कि किस तरीके से उसका फ़ायदा उठाया जाए. मुझे आज भी याद है, आई वेंट टू सिद्धिविनायक. चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो या नॉर्मल ड्राइवर, कोई भी फैन, अरे बहुत अच्छी फिल्म है, ऑलरेडी देख चुके हैं. सो दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू से, नॉट ओनली एज एन एक्टर, एज अ पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रांड मस्ती, बट ऑन द बिहाफ ऑफ इंटायर बॉलीवुड, कि हमारे साथ हो गया है, आगे फ्यूचर में किसी फिल्म मेकर, किसी प्रोड्यूसर, किसी एक्टर के साथ ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए. स्टॉप द पायरेसी, इट इज़ द वर्स्ट थिंग विच कैन एवर हैपन. And in the end, I would like to say thanks to the entire media and my wonderful filmmaker, my director, who's a godlike person to me, Mr. Inder Kumar. My producers, amazing people, Ashok Takeria, Ekta Kapoor, entire Balaji team, Aman, our fantastic writer, Tushar Hiranandani, and my most talented, my actors, Ritesh, Vivek, and Aftab. And so that's what I want to say, that we need to stop this. And this is such a big issue. Hamare saath ho gaya hai, aage future mein kabhi kiske saath na ho. And we need to act upon it as soon as possible, because this is such a major thing which has happened. Thank you. Thank you, guys.
you can start the Q&As now. Ritesh. Yeah, Ritesh. एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम क्या फील कर रहे हैं इस वक्त. एक बात दिमाग में आई कि एक किसान है, दो साल खेती करता है, उसको पालता है, पानी देता है, सींचता है, अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई उस पर लगाता है, और जब फल उग जाता है तो चंद लोग आते हैं, उसको रस्सी से बांध देते हैं और पूरे बाग को लूटते हैं, पूरे पेड़ उखाड़ के चले जाते हैं, और वो वही बेबस खड़ा खड़ा देखता रहता है. तो आज हम सबको ऐसा फील हो रहा है कि हमारी दो साल की मेहनत, हमारी ज़िंदगी भर की मेहनत पानी में गई है. हमने लोगों को एंटरटेन किया, हमने लोगों के फेस पे स्माइल लाई, हमने लोगों को हंसाया, लेकिन एंड में जो लोगों ने ये फिल्म वीडियो पे देख ली, नेट पे देख ली, उन्होंने अल्टीमेटली हमको रुलाया. तो प्लीज़ हमारे साथ आपने किया ऐसा, आगे से मेहरबानी करके दूसरों के साथ ऐसा मत कीजिएगा. प्लीज़ पायरेटेड कॉपी देखना बंद कीजिए, इस देश में पायरेसी को बंद कीजिए प्लीज़. हाय रितेश, मेरा सवाल आपसे है. आजकल क्या बहुत समय से हर फिल्म रिलीज होते ही या रिलीज के एक दो दिन पहले ही ऑनलाइन आ जाती है. सुल्तान भी आ गई थी. एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है कि सेंसर कॉपी है वो रिलीज बहुत पहले आ जा रही है. आप लोगों की 15 दिन पहले आ गई उड़ता पंजाब की भी आ गई, साराट की भी आ गई, जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई बाद में. तो क्या आप एक पैटर्न देखते हैं इसमें कि सेंसर कॉपी लीक हो रही है, सिर्फ नॉर्मल कॉपी लीक नहीं हो रही है, अनसेंसर्ड कॉपी, इसमें एक पैटर्न देखते हैं, सबोटाज करने की कोशिश देखते हैं आप? सबसे पहले मेरी जानकारी के हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सैराट की कॉपी रिलीज के बाद आई थी, बट सेंसर कॉपी थी, वो सेंसर कॉपी थी पर रिलीज के बाद. उड़ता पंजाब 2 दिन पहले और 17 दिन पहले ग्रेट ग्रैंड मस्ती. ओके, द बिगेस्ट ब्लो इज डेफिनेटली पायरेसी, बट ऑल्सो द इफेक्टिवनेस ऑफ पायरेसी इज द लीड टाइम दैट इट गेट्स टू इनफिल्ट्रेट wherever it needs to reach. यहाँ पर जहाँ तक पैटर्न की बात आप बता रहे हो तो आई एम नो बडी टू अंडरस्टैंड सच पैटर्न. मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, जितना इन्फॉर्मेशन है, कि शायद उड़ता पंजाब और ग्रेट ग्रैंड मस्ती ये एफ कैट कॉपीज, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे उतना हम लोग श्योर है. पर बाकी सारे फिल्म्स जो जिनकी पायरेसी हो रही है वो कहाँ से हो रही है, किस तरह हो रही है, ये दिस आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर बिकॉज आई डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन. एक सवाल और कि आपको नहीं लगता कि CBSE जो सेंसर बोर्ड है उसकी जिम्मेदारी बनती है, FCAT की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप लोग जब कॉपी भेजते हो और लीक वहीं से हो रही है सेंसर कॉपी, तो इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जबकि CBSE जो है इस मामले से पूरी तरह से पल्ला झाड़ रहा है. वो कह रहा है कि पता नहीं कोई एक तरह की एक साजिश है, हमारे खिलाफ ही साजिश है, CBSE ऐसा कहने की कोशिश करे, तो आप लोग कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा. तो आई थिंक हितेश जी विल हैव टू. इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा. जो पैटर्न आप बात कर रहे हैं, 17 दिन पहले जो लीक हुई है, यह अनप्रेसिडेंटेड और सिर्फ ग्रेट ग्रैंड मस्ती के साथ ही हुआ है. इसके पहले जो पैटर्न था वो काफ़ी अलग पैटर्न दिखाई दिया है. दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि DVD जो सील्ड एनवेलप में दे दी गई थी, और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन के समय पता चला था, तब पता चला कि वो DVD कोई दूसरे एल्बम में काफ़ी और DVD के साथ रखा गया था और उसमें सील हुआ था. तो ये जो मामला है कि हम जिस तरह से DVD देते हैं या DVD देनी चाहिए, DVD अगर देते हैं तो उसे किस तरह सेफगार्ड करना चाहिए, इसके बारे में जो भी रिप्रेजेंटेशन करना है तो उसके बारे में तो काफ़ी बातचीत हो चुकी है, रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं और वो जांच का दायरे में भी, एंड जो साइबर सेल जो इंक्वायरी कर रही है, ये सारी बात उस इंक्वायरी में स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह से लीक हुई है. परंतु जैसे आपने बताया है कि ये जो सेंसर कॉपी या ये जो FCAT की यहाँ से जो लीक की जो हमारी कंप्लेंट है, तो उसकी पूरी जांच हो रही है
और एज अ इंडस्ट्री वी हैव एंड हमने रिप्रेजेंटेशंस भी दिए हैं और वो आगे का इशू होगा, पर आज का इशू ये है कि ये जो पायरेसी हुई है उसके हिसाब से जो डैमेजेस हुए हैं और जो इन अनप्रेसिडेंटेड लॉस हुआ है वो सबसे बड़ी बात है। विवेक एक सवाल आपसे है। जब ये फिल्म जो भी होती हैं वो सेंसर होती हैं तो एक ऑफिसर रहता है, दो लेडीज होती हैं, दो मेल मेंबर्स रहते हैं। अगर आपकी फिल्म रिवाइजिंग कमेटी में गई होगी तो वो 11 मेंबर्स होते हैं, अदरवाइज ये 4 लोगों के ही होते हैं। फिर उसमें कट्स, डेफिनेटली आपके इसमें कुछ ना कुछ कट्स होंगे। इंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ कट्स सेंसर ने आपको दिए होंगे। जी, और हमको एक्सेप्ट नहीं थे। हाँ। फिर हम रिवाइजिंग कमेटी के पास नहीं गए, हम सीधा एफकैट के पास गए, दिल्ली ट्रिब्यूनल के पास। जी, तो मैं सिर्फ सेंसर बोर्ड का आपको बता रही हूँ कि इनकेस अगर ऐसा होता है तो जो कट्स होते हैं वो अंदर ही देखे जाते हैं। एडिटिंग रूम सेंसर बोर्ड जो हमारा ऑफिस है उसके अंदर है, अंदर होता है। अंदर सारा सेंसर होने के बाद जिसने किया है ऑफिसर और जो एक मेंबर होता है उनके पूरे बकायदा साइन होते हैं और वो सील हो जाता है। तो मुझे समझने में ये चीज़ हो रही है कि जो और यूजुअली ये गवर्नमेंट बॉडी है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, तो उन वो जो इस तरह के लोग होते हैं वो लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड लोग होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं उनका पक्ष ले रही हूँ, लेकिन अगर सपोज ये एलिगेशन लग भी रहा है तो ये कहाँ पर हो सकता है? अगर देखिए, ये हमने दिल्ली में सबमिट किया था। ओके। और जैसे हितेश जी ने अभी बताया कि हमने सील्ड कॉपी दी है और जो भी ऑफिसर ये रिसीव करता है जी, उसका भी फर्ज है कि वो रिसीव करे सील्ड कॉपी को ही जी। जैसे अगर आपके पास मैं आया, मैंने आपको अनसील्ड कॉपी दी जी, तो आपका कोई मतलब लेने का हक ही नहीं बनता, आप वो कॉपी वापस दे दोगे कि भाई इसको सील करके लाओ या अभी मुझे सील करके दो जी। बट जैसे अभी हितेश जी ने बताया कि वही कॉपी जब अभी साइबर सेल वाले गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी 2 दिन पहले, तो मेरे से पहले भी काफ़ी फिल्में वहाँ पे दी गई थी, जैसे वाह ताज करके मेरे एक असिस्टेंट की ही फिल्म है, उस भी कुछ कॉन्ट्रोवर्सी में आई थी और वो भी उसने, मैंने कल ही उससे बात किया, उसने बोला मैंने उसको सील करके दी थी। अब जब साइबर सेल वाले गए वहाँ पर, तो जैसे हितेश जी ने बताया कि उन्होंने पूरी सील खोलकर सबको एक ही एल्बम में डाल दिया था, जैसे फोल्डर होता है ना जी, वैसे, और उसको एक पैकेट बना के खुद ही सील कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में उनको मिली है कि वो सील थी, बट वो जो कॉपीज हमने दी थी, जैसे आप सेंसर में है उसको खोलने का तो कोई मामला बनता ही नहीं है, ना ही जरूरत है। यहाँ तक कि बाहर भी मेंबर्स को जाने नहीं दिया जाता जब तक साइन ना हो। हाँ, तो वो तो आप जानते हैं। तो अगर मैंने कॉपी सबमिट की है तो वो जो सील्ड कॉपी है वो खुल सकती ही नहीं है। इसमें स्पष्टता लाने के लिए